अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये देखिए जी, मेरा गार्डन जो अल्हम्दुलिल्लाह से इसका सारा झाड़ रूढ़ी जो भी है वो कट चुका है। तो ये सारा बाजी ने इधर ढेर लगा दिया है। जी, हमारे खुडे की तोड़ाई शुरू हो रही है। जब ये जो खुडा मैं आप लोगों को बताती थी, यहाँ से देखते क्या निकलता है। बाजी जान लगी हुई है, बस क्या ना रहे। बड़ी सपना हो गई थे, कुछ डर नहीं है। विशाल बचा गया, ये खुदा है। हाँ, तो भागना किसने है? ये भी अपने हाथ में मार रही। ये तो गता गया है ना बाजी। ये बहुत सुपरमैन स्पाइडरमैन है, कौन कौन सा मैन है सीट भी पाई मेरिया दौड़ा ना लग जान। बाजी तो खुडे चवाड़ गए, तो चुहे कितने गए? कोई टूआ ना लग गई इधर आया। आ जा, बड़ा भैड़ा होना है। जुती भी हो गई जी। ये खुडे का एंड हो चुका है, बाजी ने खुडा तोड़ फोड़ के वो फेंक दिया। ये वो वाला झाड़ लग रहा है, अब लग रहा है ये रूढ़ी है, रूढ़ी। देखिए अब देखिए, वो खुदा है और वो नुकड़ में खुदा तोड़ के फेंक देंगे। और ये वो वाला झाड़ है जहाँ पे कभी नहीं था लोगों ने। ये देखिए कितना कचरा फेंका हुआ, ये सब लोगों की कर्म नवाज है, जहलियत है लोगों की। तो जी, ये आज संडे का सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के यहाँ, क्योंकि उनके सास ससुर का ख़त्म था तो उन्होंने इफ्तारी करानी थी। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ हमारे घर, तो मैं उनके घर जा रही थी। और जी, ये मैं अपना गुजरांवाला देख रही थी। माशाल्लाह 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 से हमारे गुजरांवाला ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, कि देख के दिल खुश हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस रोड पे हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो हैं और बोर्ड का दफ्तर भी इसी रोड पे है। तो जी, ये है हमारा बोर्ड ऑफ गुजरांवाला। पता नहीं क्या गाड़ी स्पीड से गुजर गई, पढ़ा नहीं था मैंने, बोर्ड ऑफ गुजरांवाला लिखा हुआ था। और जी, ये हमारा जो पुल है, ये हमारा क्या कहते इसे, अम्मी लोहिया वाला पुल, लोहिया लोहिया वाला का पुल, लोहिया वाला बाईपास, पता नहीं क्या कहते हैं। ये हमारा लोहिया वाला का ब्रिज है, लोहिया वाला कहते हैं पंजाबी सुबह में, मुझे नहीं पता, मैं कभी इतना ज़्यादा गई नहीं। तो ये माशाल्लाह से अगर ये कैमरा ऊपर से करके देखे तो ये एट बना हुआ है, और ऐसे ऐसे तो नहीं पता चलता। अगर आपका वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कहते हैं जो ड्रोन कैमरा हो ना, तो उससे पता चल जाता है ये एट बना हुआ है। तो इधर पुल के आसपास उन्होंने पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं, कि अगर आपने आउटिंग करने आए हो तो आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, क्या कर सकते हो, सब शौकियाँ मार सकते हो यहाँ पे, अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो जी, ये देखिए आगे जाके एक बड़ा ही ज़बरदस्त सीन बना हुआ है, कि ग्रीन कलर का वो पुल बना हुआ है और उसके ऊपर से जो ट्रक गुजर रहा है वो भी ग्रीन कलर का, इतना जैसे ये इतफाक ही देखें, वो ट्रक भी ग्रीन कलर का और जो ये पुल है वो भी ग्रीन कलर का।
मेरे बच्चे ऐसे ही, मामा ये क्या बता रहे हो आप, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन माने ये इस जीटी रोड पे से गुजरते हुए ना, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, पता नहीं क्या क्या गुजर रहे थे, और उनके हॉर्न्स इतने तेज थे कि हमारा दिमाग जो माफ हो गया था। बच्चे भी कह रहे हैं मामा जी इतना शोर इस रोड पे कि बड़ी गाड़ियों ने हमारे दिमाग खराब कर दिए, एक गर्मी, एक रोजे, और एक से उनकी पाँ पाँ पाँ। ये जी जहाज है, फजाई हाउसिंग स्कीम है। तो जी मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, और मैंने घर पे बनाए थे आलू चिकन का सालन, तो वो मैं खा रही हूँ। ऊपर की दही वाली चटनी खा रही हूँ, साथ में पानी का मग है, क्योंकि मुझसे उधर ज़्यादा खाना नहीं था खाया गया, क्योंकि रोज़े के बाद जो इतना खाया तो ज़्यादा नहीं, तो बस एक दो फ्रूट मैंने लिया था, खाना नहीं था खाया, बस तबीयत इतनी नहीं, क्या कहते हैं, हज़म नहीं होता, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आप भी खा लो ये साथ चावल, आओ इधर।